आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन अबाउट पार्ट मॉडलिंग। आज हम पार्ट मॉडलिंग की फाइल को कैसे ओपन करेंगे और उस पर कैसे वर्क करेंगे वो सीखेंगे। इसके लिए पहले हम न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें विंडो जनरेट होगी, जैसे स्केच ओपन करने से होती थी उसी तरह। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्ट मॉडलिंग दिया गया है, उसको सिलेक्ट रखेंगे और साइड में उसके सब टाइप्स है, उसमें से हम सॉलिड को सिलेक्ट रखेंगे। शीट मेटल को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं सॉलिड। सॉलिड को सिलेक्ट रखने के बाद यहाँ पे हम नेम देंगे, जैसे हम स्केच में देते थे। जो नेम यहाँ पे देंगे वही नाम से हमारी फाइल सेव होगी। कॉमन नेम में हम जो भी मॉडल जनरेट कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। यहाँ से हम यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट को ऑन क्लिक कर देंगे। अगर इसको क्लिक रखेंगे तो जो भी बेस में हमारा टेम्पलेट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसको ऑन क्लिक करने से हम स्पेसिफाई टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसको ओके करेंगे। ओके करने से एक और विंडो जनरेट हो जाएगी जिसमें टेम्पलेट ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम डिफॉल्ट ऑप्शन रखते तो इसमें ईच पार्ट सॉलिड का जो टेम्पलेट है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता, पर हमें यहाँ पे MMNS पार्ट सॉलिड का टेम्पलेट ही सिलेक्ट करना है। MMNS मीन्स मिलीमीटर न्यूटन सेकेंड। अब यहाँ पे जो कोई ऑब्जेक्ट को जनरेट कर रहे हैं उसका नेम टाइप करेंगे। सपोज की SSE Academy, वो हमारा मॉडल बाय हुआ। फिर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका। फिर यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने से हमारा पार्ट मॉड्यूल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये जो है हमारा स्केचिंग एरिया है, या तो फिर कह सकते हैं वर्किंग एरिया है। यहाँ पे हमें एज अ 3D वर्क करना है तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स दी गई है। जिस किसी प्लेन पर हम कर्सर लेके जाएंगे वहां पे उसी प्लेन का डिस्क्रिप्शन आएगा। ये प्लेन हमारी टॉप है इसलिए यहाँ पे टॉप लिखा मिलेगा। ये प्लेन हमारी राइट है और ये प्लेन हमारी फ्रंट है, और बीच में जो शो हो रही है वो हमारी कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे मॉडल ट्री दिया गया है। मॉडल ट्री में हमने जो फाइल का नाम दिया था वो यहाँ पे मिल रहा है, एक्सट्रूड और पार्ट। जो हमें वर्किंग एरिया पे प्लेन कोऑर्डिनेट दिखाई दे रही है वही प्लेन और कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी इंडिकेट हो रही है। अगर राइट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे राइट प्लेट इंडिकेट होगी। टॉप को सिलेक्ट करेंगे टॉप, फ्रंट को करेंगे तो फ्रंट, और कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करेंगे तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे इंडिकेट होगी। ये जो फीचर दिए गए हैं इसमें से जो जो हम अप्लाई करेंगे वो सारे फीचर यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। सपोज कि यहाँ पे हम एक्सट्रूड सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रूड ऐड होगा। रिवॉल्व को सिलेक्ट करेंगे तो रिवॉल्व होगा। यहाँ से जितने भी फीचर हम यूज करेंगे किसी एक मॉडल को जनरेट करने के लिए वो सारे यहाँ पे वन बाय वन ऐड होते जाएंगे। ये सारे स्टेप्स है इंजीनियरिंग एडिटिंग सरफेस मॉडल। इसमें से हम 3D ऑब्जेक्ट को जनरेट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शंस है वो व्यू के ऑप्शन है। रिफिट, जूम इन, जूम आउट, ये ऑप्शन हमने स्केच में देखे थे उसी तरह वर्क करता है। और जो ऑप्शन है डिस्प्ले व्यू और डिस्प्ले फिल्टर्स, उसको हम बाद में सीखेंगे। ये जो लास्ट ऑप्शन है वो स्पिन सेंटर है। बीच में हमें एक स्पिन सेंटर दिखाई दे रहा है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए इसका यूज होता है। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द पार्ट मॉडलिंग।